नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में परफेक्ट एंट्री और एग्जिट कैसे करें। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की होता है और हाईली रिवॉर्ड भी है। अगर आप परफेक्ट एंट्री किए तो आपको पैसा को 2 से 4 गुना भी कर सकता है। अगर आप परफेक्ट एंट्री नहीं किए तो आपको 2 से 4 गुना आपका लॉस भी कर सकता है। तो हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको परफेक्ट एंट्री और एग्जिट करना ही चाहिए। अगर आप ये सोचोगे मैं परफेक्ट एंट्री और एग्जिट किया, क्या हमारा लॉस नहीं होगा? फिर भी लॉस होगा, लेकिन हम लॉस को मैनेज कर सकते हैं। ये नहीं कि लॉस को हमेशा जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो लॉस को मैनेज करने के लिए हम लोग हमेशा परफेक्ट एंट्री और एग्जिट करते हैं। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में, मैं बताऊँगा कि आप कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में परफेक्ट एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। जैसे मैं रेगुलर लेवल देता हूँ कि कैसे आप परफेक्ट एंट्री एग्जिट करते हैं, ऐसे आज मैं आपको बताने वाला, जिससे आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, मैं ऑलरेडी वीडियो एक बना चुका कि रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट कौन सा है, इस पर कैसे ट्रेड करें, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। आज आते हैं हम लोग निफ्टी में। निफ्टी में उस पर मैं एक वीडियो अभी भी डाला हुआ था कि निफ्टी में देखिए, मार्केट जब गैप अप ओपन हुआ तो ठीक रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ था। मैं आपको लेवल भी देता हूँ, मैं लेवल रेगुलर अपना टेलीग्राम में डाल देता हूँ मॉर्निंग में। अगर मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो तो अभी ज्वाइन हो जाओ। मैं लेवल देता हूँ, मैं कॉल पुट कुछ देता नहीं हूँ दोस्तों कि आप यहाँ बाई करो, ये करो, मैं ऐसा कुछ नहीं देता हूँ। लेकिन मैं लेवल देता हूँ, लेवल, और मैं जो भी मेरा भाई लोग हैं मुझे जानता है, मैं क्लास लेके उन लोगों को बताया गया हूँ कि कैसे लेवल पर ट्रेड करना है। वो उन लोग उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी करते हैं। एक चीज़ आपको बताना भी था दोस्तों कि मैं एक जूम मीटिंग कोर्स ला रहा हूँ, ऐसे 6 मंथ लगातार चलेगा। इसका प्राइस बहुत ही कीमत है, बहुत ही कम है। इतना है कि आपको एक ब्रोकर जितना आपको आज का जो लॉस होगा उतना उससे आप कोर्स बाइक कर सकते हो, लेकिन इसमें सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। रीज़न क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको बेसिक टू एडवांस तक टेक्निकल एनालिसिस सिखाएगा, प्लस ऑप्शन बाइंग के बेसिक एडवांस तक सिखाया देगा कि आपको परफेक्ट एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। और डेली जो आप ट्रेड करोगे तो मेरा जो टीम है आपसे कांटेक्ट करेगा, और मेरे टीम से रेगुलर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका लॉस हुआ तो लॉस क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों प्रॉफिट हुआ, कल क्या करना है नहीं करना है, जो हमारी टीम है आपको हमेशा फॉलोअप करेगा। ये ऐसा फॉलोअप, देखो कोर्स तो कोई भी बाइक कोई भी दे देता है, लेकिन फॉलोअप कोई नहीं करता, उसको सपोर्ट कोई नहीं करता है। तो मेरा टीम आपको सपोर्ट भी करेगा आपको 6 मंथ तक। मैं 6 मंथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक रियल ट्रेडर बना के छोड़ेंगे हम लोग, कि आपको पहले सिखाएंगे कैसे ट्रेड करना, इसके बाद प्रैक्टिकल करवाएंगे, इसके बाद आप फिर खुद से ट्रेड करो, और लैपटॉप हमसे आप कांटेक्ट में रहोगे। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, नंबर मिल जाएगा आपको। इतना अच्छा सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। आ जाते हैं हम लोग अपना काम पर। तो दोस्तों, देख सकते हैं निफ्टी का जो मैं लेवल दिया था टेलीग्राम में, आप देख सकते हैं वही है सेम 15 मिनट में। आ जाते हम लोग 3 मिनट में, हम लोग 3 मिनट में हम लोग कहाँ बाई और सेल किए थे, ठीक है, ये जानना आपको ज़रूरी है। देखो, ट्रेडिंग में आप परफेक्ट एंट्री और एग्जिट जब तक नहीं सीखते तब तक आपका लॉस होता ही रहेगा। इसमें कुछ और ऐड करना पड़ता है, वो हम आपको आगे जाके जो कोर्स में आएंगे, कोर्स में आपको फ्री बहुत ज़बरदस्त बताएंगे, जो लाइव में कभी आप भूलोगे भी नहीं। मार्केट ठीक गैप अप ओपन हुआ, देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस के पास दिया, वहाँ से मार्केट अगेन नीचे आया। यहाँ पे एक कैंडल, कौन सा कैंडल बना, शूटिंग स्टार कैंडल बना है, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आज शूटिंग स्टार कैंडल बना, यहाँ पर मैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किया था, मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो इस पर पहले डाला हुआ उसमें बताया भी हूँ। तो इसको ब्रेक किया मैं वहाँ पर एंट्री लिया। स्कैल्पिंग में आप लोगों को मैं बताया हूँ कि स्कैल्पिंग में कोशिश हो जिस कैंडल में एंट्री लेते हैं उसी कैंडल में एग्जिट हो जाओ। अगर उसमें एग्जिट नहीं हो पाता तो हो सकता है आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है या तो बड़ा लॉस मिलेगा, क्योंकि आप में स्कैल्पिंग में क्या होता है कि पोजीशन साइज आपका बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मैं इसी में एंट्री लिया, मैं यहाँ के आसपास में एग्जिट भी हो गया। तो मैं जो टाइम फ्रेम में 3 मिनट जो इसका टाइम फ्रेम है, उसको क्लोज होते होते मैं क्या करता मैं बताता हूँ। जैसे मैं 3 मिनट का टाइम चार्ट पर मैं ट्रेड करता हूँ स्कैल्पिंग में, तो मैं अपना मोबाइल में सेकेंड सिस्टम कर लिया हूँ। जब भी उसको कैंडल क्लोज होने वाला रहता है तो मैं वहाँ पर तुरंत कल्टी मार लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंट्री लिए, इसमें हम एग्जिट हो गए, हम क्वांटिटी थोड़ा ठीक ठाक बढ़ा था तो मैं प्रॉफिट अच्छा खासा बुक भी कर लिया था। लेकिन इंटर ट्रेडिंग के हिसाब से मैं बोला था अगर यहाँ पर आप बाई करते तो आपका टारगेट ये वाला होना चाहिए, ये वाला, ये जोन आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए। आप बिलीव नहीं होगा तो आप वीडियो मेरा देख लेना, मैं इसमें बताया भी हूँ। तो ये भी टारगेट अचीव हो गया, मैं क्या बोला था, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, या तो उसको ब्रेक करेगा या तो इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट अच्छा खासा फॉल करके नीचे आ सकता है, मैं ये पहले बताया भी था। लेकिन ठीक, मार्केट ऐसा ही किया,
मार्केट यहाँ से क्या गया, इसको एक सपोर्ट की तरह काम किया, सपोर्ट की तरह काम करने के बाद मार्केट यहाँ से एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया, और कैंडल बनाने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चल गया। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको जब हैमर टाइप का कैंडल था, जबकि उसको हाई को ब्रेक करता था, हैमर कैंडल को इसका हाई को ब्रेक करता था, यहाँ पर एक एंट्री बनता था। अगर लेते तो मैं यहाँ पर नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेड बनता था कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर स्कैल्पिंग ले चुका था। तो ये एक टारगेट, आप इतना ही टारगेट यहाँ पर आप बुक कर सकते थे। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट होने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर हुआ नहीं, कि रियल नहीं फेक ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, बहुत ऐसे लोग यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे, यहाँ पर बोला गया यार ये तो यहाँ पर बेरिश कैंडल, यहाँ पर एंट्री लिए तो हो सकता है यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ होगा। देखो, आप सोचोगे कोई भी एंट्री परफेक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत लॉस आपको, रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा। लॉस को आप हमेशा के लिए अपना जड़ से कभी ख़त्म नहीं कर सकते। ट्रेडिंग में लॉस होंगे तो लॉस को हम मैनेज कर सकते हैं, या कि हम लॉस को हमेशा ख़त्म नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखना। आप तो सेम मार्केट ऐसे ही यहाँ पे मार्केट क्या क्या कंसोल टाइप के करने लगा, इस जोन में रहा, इस जोन में रहा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ कब ट्रेड लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, जैसे मार्केट यहाँ पर नीचे गिरा, जब इसको यहाँ पर आया, तो जब तक इसको लो को हम मेरे हिसाब से ब्रेक नहीं करेगा, और लो को ब्रेक नहीं करेगा नेक्स्ट कैंडल, तब तक यहाँ पर हमारा एंट्री बनता ही नहीं। इसी जोन में मार्केट कंसोल करने लगा, और इसमें लो को आप ब्रेक भी करता तो हमारा टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, यही हमारा टारगेट रहा था, यही वाला। लेकिन इसी जोन में मार्केट कंसोल करता रहा। यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बन रहा था, मैं ट्रेन लाइन ड्रॉ भी किया था, इस ट्रेन लाइन को ब्रेक करता तो मैं एक अगेन एंट्री लेता, हमारा टारगेट जस्ट इसके नीचे रहता, ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो हुआ क्या है यहाँ पे, हुआ ये है कि यहाँ पे देखो मार्केट उसको ब्रेकआउट किया। तो मैं आपको बताया था कि ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करना है, कभी भी जो कैंडल ब्रेक करता उसमें तुरंत हमारा एंट्री नहीं लेना है। हमेशा बोलो ये कैंडल ब्रेक किया तो क्या इसमें हम एंट्री लेते, नहीं, इस कैंडल को हाई को हम इंतज़ार करते, इस कैंडल को हाई को ब्रेक करता तो हम यहाँ पे एंट्री लेते थे। इस कैंडल को हाई को कौन सा ब्रेक किया, तो ये कैंडल ब्रेक किया इसका हाई को, और हमारा स्टॉप लॉस जस्ट इसको 5 पॉइंट नीचे लगाना था, 5 या 10 पॉइंट आप नीचे लगा सकते हैं। और टारगेट अपने हिसाब से कम 1:2 का आपको टारगेट रखना ही था, तो 1:2 का आप टारगेट यहाँ पर रखते थे, इजीली यहाँ पर अचीव भी हो गया होगा। फिर मार्केट अगेन यहाँ पर तो कितना बड़ा मोमेंटम किया, फिर मार्केट यहाँ पर देखिए मार्केट कितना ज़बरदस्त कंसोल यहाँ पे आया, मार्केट अगेन कंसोल यहाँ पे करने लगा। तो अब इतना मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिवर्स का ट्रेड ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर से नीचे देते गया, मैं यहाँ पर नीचे का ट्रेड लेना प्रेफियर नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। यहाँ पे भले ही हमारे जो स्टेज बना है 50 MA जो हमारे स्टेज यहाँ पे बना है, अच्छा वर्क भी किया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता, मैं रिवर्स के इंतज़ार करता। तो यहाँ पर रिवर्स के यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया अगेन, यहाँ पर मार्केट देखिए कंसोल कर रहा था, ये भी स्विच में मैं तो ट्रेड लेता ही नहीं, स्विच में नीचे की तरफ भी मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास, ये रेजिस्टेंस इसके आसपास मार्केट कंसोल करने लगा, यहाँ पर देखो कंसोल करने लगा। तो यहाँ पर हमारा एंट्री कब बनता, जब इसको लो को ब्रेक करता तब यहाँ पर एंट्री लेता। सेम देखो हमारा जो 50 MA स्टेज ये भी सेम वर्क किया, यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, इसके नीचे ब्रेक किया, आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आपको देखिए कितना बड़ा टारगेट मिलता, यहाँ पे आपको एग्जिट होने का मौका ही नहीं देता, कितना बड़ा आपको टारगेट ठीक आपको सपोर्ट के आसपास मिला। देखो मैं हमेशा आप लोगों को ये बताता हूँ कि आपको कोशिश करो कि कम ट्रेड करें, और अब सेटअप का इंतज़ार करो, जब तक आपको सेटअप नहीं मिलता है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। ऐसा मत सोचो कि यार मैं मार्केट ओपन हो गया तो मैं अभी कभी तुरंत ही बाई कर लूँगा, नहीं तो मार्केट हमसे छूट जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा वगैरह वगैरह जो भी है। आप प्लस सेटअप मतलब जो भी बनाते हो उस पर पहले इंतज़ार करो, जब तक सेटअप नहीं मिलता तब तक आप बैठे रहो। सेम बैंक निफ्टी में मैं लेवल दिया था आपको, बैंक निफ्टी में सेम ऐसा ही हुआ, मार्केट क्या हुआ यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया था, गैप अप ओपन हुआ तो इसको लो को ब्रेक किया था, एक एंट्री यहाँ पे बनता है, मैं सोचा कि यहाँ तक मार्केट आएगा, ये ठीक यहाँ पर आया भी है इसके आसपास, लेकिन मार्केट को कोई कुछ नहीं कह सकता है, मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर गया। तो यहाँ पर आप देखिए, आप जो कैंडल के बेस पर ट्रेड लेता था तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है तो उसको ब्रेक किया, तो आप यहाँ पर ट्रेड एक ले सकते थे, और आपका टारगेट छोटा यही टारगेट आपको लेना था, इससे ऊपर का टारगेट आपको नहीं लेना था, ये टारगेट आपको अचीव भी हो गया था। ये ब्रेकआउट हुआ तो क्या इस ब्रेकआउट पर हम एंट्री लेते, बिल्कुल भी नहीं लेते। मैं रीज़न क्यों बताता हूँ क्यों नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट हुआ है ना, इसको ब्रेकआउट हुआ तो ये रेस, ये आपका क्या है, ये कैंडल निफ्टी आपको ठीक रेजिस्टेंस पर काम कर रहा था, इस पर काम कर यहाँ पर काम कर रहा था ये पर,
तो मुझे पता था मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता तब तक मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता था, नहीं करता। तो वैसे ही हुआ है, ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट था, मुझे पता था ये फेक ब्रेकआउट था। अगर यहाँ पर एंट्री भी लेती एक फेक ब्रेक, क्योंकि बैंक निफ्टी तो ब्रेकआउट दे दिया है लेकिन निफ्टी रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है, ये ब्रेकआउट तो की दिया ही नहीं। ये ब्रेकआउट कब दिया यहाँ पे देखिए, ठीक यहाँ पे देखिए कब ब्रेकआउट दिया, 11:15 में ये ब्रेकआउट, ये अगेन ब्रेकआउट दिया है, और निफ्टी भी 11:15 में समथिंग शायद ब्रेकआउट दिया। हाँ 11:10-12 में ब्रेकआउट दिया, इसका हाई को ब्रेक किया था, निफ्टी भी ब्रेकआउट दिया, ये भी ब्रेकआउट दिया था। मतलब ये एक रियल ब्रेकआउट है, ये एक रियल ब्रेकआउट है, जब इसको ब्रेकआउट दिया था ये एक रियल ब्रेकआउट है। तब इसको हाई को ब्रेक किया तो वहाँ पर हमारा एंट्री बनता, हमारा टारगेट ये था, इजीली यहाँ पर अचीव भी हो गया है। फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा था, यहाँ पर आप चाहो तो नीचे की तरफ आप ट्रेड ले भी सकते थे। ट्रेड नीचे की तरफ कब बनता है, जब तक इसको लो को नहीं ब्रेक करता तब तक यहाँ पर एंट्री नहीं बनता था। उसके लो को ब्रेक किया तो आप ट्रेड ले भी सकते, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ ओवर ट्रेडिंग मत करो। अगर आपको एक ही एक ट्रेड में दो ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो भले ही मार्केट कहीं भी जाए ट्रेड मत लो मेरे हिसाब से। फिर मार्केट यहाँ पर देख कंसोल करके इसको ब्रेक किया, यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा रिवर्सल ट्रेडिंग करने के लिए, ऊपर के लिए तो नहीं करूँगा। मार्केट देखिए उसको ब्रेकआउट तो किया लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, जोन में रहा, यहाँ से नीचे गिरने लगा, इसको ब्रेक डाउन किया यहाँ पे। तो क्या हम इसमें एंट्री लेंगे, नहीं। इसको लो को ब्रेक किया तो एक फास्ट मोमेंटम किया और हमारे सपोर्ट तक आया। ये हमारा लेवल था दोस्तों, इसमें आप देखो, इसमें आप एक ट्रेड भी लेके आपको प्रॉफिट बुक कर लिया था, दोबारा मार्केट कहीं भी जाए हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा याद रखना आपको। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा जो लाइक एंड कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो हमारे कोर्स आ रहे हैं उस पर ज्वाइन जरूर कर लो, एक मौका दो, इतना सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर दोस्तों।